आवाज नाही रे बघा दादा एकत्र एकत्र क्या है कि मेरी फिल्म है, मैं खुद देख के आ रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार वाले हैं, तो उनके बायसेस तो रहेंगी, पर ऑल आई कैन से इज़ आई एम प्राउड ऑफ बैंजो जी। नहीं, क्या है, फिल्म मेहनत से करते हैं एंड होपफुली एक अच्छी फिल्म बनाई है जो मैंने आज देखी, मुझे पसंद आई, पर क्या है, मैं एक्टर हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब कल रिलीज़ होगी, सो लेट्स सी व्हाट पीपल हैव टू से अबाउट इट। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि गणपति के टाइम पे ये फिल्म रिलीज़ कर देनी चाहिए, थोड़ा लेट हो गया, क्या लेट, ये पिक्चर गणपति की पिक्चर नहीं है ना, राइट, ये कभी भी आ सकती है। नो, आई मीन आई एम एंग्शियस मोर देन एक्साइटेड और नर्वस, आई जस्ट वांट टू सी हाउ पीपल रिएक्ट टू इट। क्या मुंबई हाई अलर्ट पे है तो क्या आप लोगों के सिक्योरिटी के लिए कुछ खास बंदोबस्त की जाती है इसके लिए, क्योंकि यू आर आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया बॉलीवुड के रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, आई थिंक हमारी पुलिस और आर्मी सक्षम है, और अगर कुछ इशू होगा तो आई एम श्योर दे अलर्ट एवरी वन, ऑल द सिटीजन्स, और मैं कुछ आपसे अलग नहीं हूँ, आई थिंक मेरी जान उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी जान इम्पॉर्टेंट है, सो इट डजंट रियली मैटर कि कोई सेलिब्रिटी है नहीं है, आई थिंक एवरी वन इज़ इक्वल, और आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। आप अपने फैंस को क्या कहेंगे इस बार, इट्स लाइक फॉर द सेफ्टी एंड ऑल, सेफ्टी के लिए सेफ, नहीं, आई जस्ट बी अवेयर, और अपने टीवी और मोबाइल पर रहिए, आई एम श्योर पुलिस इतला करती रहेंगी क्या क्या आगे करना है। आई थिंक शी इज़ माई वाइफ, शी लव्स मी टू मच, बट शी इज़ एन ऑनेस्ट क्रिटिक एंड शी लाइक द फिल्म, सो आई एम हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी फिल्म है, एकदम राप्चिक लोकल लैंग्वेज में जैसे कहेंगे, बहुत रितेश इज़ वेरी वेरी गुड। द मेन स्टार ऑफ द फिल्म आई वुड से इज़ रवि यादव, जो डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी को हैंडल किया है, सम ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट विजुअल्स एंड फुली मासिव फिल्म। ऑब्वियसली रितेश, नॉट बिकॉज ही इज़ फैमिली, जेन्युइनली आई थिंक रितेश, इवन धर्मेश भी, जो सारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, नरगिस इज़ गुड, बट ये जो चारे दोस्त हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे। नहीं यार, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हाई अलर्ट हो या नहीं हो, मुंबई वासी हमेशा, वी हैव नो अदर ऑप्शन। यस, आई वुड जस्ट से दैट प्लीज टेक केयर, दैट्स ऑल वी कैन डू, डेली उठ के काम तो करना ही। यू नो, एक कहावत है कि बहुत प्रॉब्लम है, एक बच्चे से पूछा गया, यार आप 10 साल से आपको कैंसर है, आप क्या करते हो, पूरा डेली सुबह उसके नाश्ता करते, नाश्ता तो करना ही है ना, सिंपल सिंपल।
think that has helped all those stars in, you know, becoming good friends with each other, because when they take a photo Instagram पे डालते तो एक friendship उनमें bond बढ़ जाता है, क्या आपको लगता है? It has social media always always helps. It also misuse, but with great power comes great responsibility. So सही तरीके से use करते हैं तो obviously it's beneficial to reach out to your fans, to bond with co-actors. So it's always good. Depends how you use it. I'm not personally very social media friendly. Thank you. Thank you.